बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जून 2023 दिन रविवार। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फिर से बड़ी मांग की है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो फिर आने दीजिए, कौन रोकता है उन्हें। अच्छा, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है कहीं भी कोई भी, वह तो प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो फिर कुछ बिहार के लिए ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बिहार में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जब उसके तहत कई जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो फिर आने दीजिए, उनका स्वागत है, कोई रोक टोक नहीं है, लोकतंत्र देश है। जी हाँ, लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो फिर बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, बिहार के लिए विशेष पैकेज तो कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, यह कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों अब बात करते हैं कि बालासोर रेल हादसे में हर दिन नई नई अपडेट सामने आ रही है। कुछ दिन पहले तक बिहार के लोगों की मरने की संख्या कम थी, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में बिहार के अब तक 53 लोगों की जान चली गई है। वहीं लापता व्यक्तियों की शिनाख्त के लिए 15 परिवार वालों का डीएनए टेस्ट करवाया गया है। इसके साथ ही 5 अन्य लापता व्यक्ति के परिवार वाले से संपर्क करके उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने के लिए भुवनेश्वर एम्स भेजा जा रहा है। लापता लोगों में मधुबनी के 4, सीतामढ़ी के 1, पटना के 1, सिवान के 1, गया के 1, पूर्णिया के 1, पूर्वी चंपारण के 1, शेखपुरा के 1 और बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के 2-2 लोग शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि दुर्घटना में मारे गए वैसे लोगों जिनके परिवार वालों को अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उनका मोबाइल नंबर लेकर के प्रतिनियुक्ति अधिकारी के पास भेजा गया है। इस पूरे मामले पर अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कंट्रोल रूम पहुंच करके राहत कार्यों का जायजा लिया। बिहार के 37 रेल मुसाफिर अब भी ओडिशा के अस्पतालों में भर्ती हैं। दोस्तों जिस बेटे को माता पिता ने मरा समझ करके दफना दिया हो, क्या वह जिंदा वापस लौट सकता है? दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक युवक को मरा समझ करके उसके माता पिता द्वारा उसे दफना दिया गया था। युवक को दफना देने के बाद अब वह युवक अपने घर वापस आ गया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। ये मुमकिन है ही नहीं। जब किसी के एक बार मर जाने के बाद वह दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होता है, कभी भी वापस नहीं लौट सकता है। 16 दिसंबर 2022 में ट्रेन में मोबाइल चोरी करने के आरोप में ट्रेन के अन्य यात्रियों द्वारा मोहम्मद एहताम अंसारी नामक युवक की जमकर की पिटाई की थी, जहां उसके बाद उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। अपने बेटे को मरा समझ करके परिवार वालों ने किसी के शव को अपने बेटे का शव समझ करके घर ले गया और उसे दफना दिया गया। अब एहताब अचानक 7 जून 2023 की रात अपने घर वापस आ गया। जी हाँ, 8 माह बाद घर लौटे अपने बेटे को देख करके माता पिता हैरान रह गए। माता पिता आप सोच रहे हैं कि आखिर मैंने जिस बेटे को दफनाया था, जिस युवक को कब्रिस्तान में जाकर के दफनाया था, वह कौन था? माता पिता कह रहे हैं कि वह तो मैं अपने बेटे समझ करके उसको दफनाया था, लेकिन अब मेरा बेटा वापस जिंदा कैसे आ गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ अब उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला हुआ क्या था उस रात। तो आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 2022 का टारसन गांव के रहने वाले मोहम्मद याकूब का सबसे छोटे बेटा 26 वर्षीय मोहम्मद एहताब जरी का काम करने के लिए दिल्ली गया था, जहां वह वहां से धागा, नग और फिर अन्य सामान खरीदने लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने उस पर मोबाइल की चोरी करने का आरोप लगा करके उसे जमकर के पीटा, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। एहताब की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। उसके माता पिता द्वारा यूपी के शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क किया गया, उसके बाद पुलिस द्वारा उनके माता पिता को एक शव को सौंप दिया। कद काठे के हिसाब से उसके माता पिता ने उसकी पहचान की और शाहजहांपुर में ही बॉडी को दफना दिया गया था। अब लगभग 8 माह बाद
एहताब जब वापस घर आया तो फिर माता पिता और फिर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि एहताब की आवाज़ चली गई है जब वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसकी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन एक सप्ताह पहले उसकी याददाश्त वापस आ गई है, वह अब अपनों के बीच है। एहताब द्वारा अपने परिवार वालों को इशारों इशारों में बताया कि वह ट्रेन में उसके साथ मारपीट की गई थी, उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था बाहर, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह जैसे तैसे गुजरात पहुंच गया, वहां एक आश्रम में रहने लगा, वहीं पर उसका इलाज हुआ। एहताब के मुताबिक उसकी याददाश्त चली गई थी, एक सप्ताह पहले ही उसकी याददाश्त वापस आई है। जब उसने आश्रम में बाबा को अपने बारे में बताया कि वह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, बाबा ने उसे ट्रेन का टिकट कटवा दिया और उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया, अपने घर वापस आ गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसी के तहत भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए राजधानी पटना में 23 जून को एक बड़ी बैठक होनी है, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में मायावती की पार्टी शामिल नहीं होगी। मायावती के पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की 1-to-1 फॉर्मूला अपनाने की बात कह रहे हैं। वह 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ मात्र एक चेहरा उतारने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब उनके इस मुहिम को लगातार झटका पर झटका दिया जा रहा है। जब पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इस बैठक में आने से साफ मना कर दिया और अब मायावती की पार्टी ने भी विपक्षी एकता की महाबैठक में अपनी दूरी बना ली है। मायावती की पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से एक बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक नाबालिग लड़के को मिठाई की दुकान पर बंधा हुआ पाया गया। जब पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की तो फिर उसने बताया है कि लड़का इसमें किया है और नशे में धुत रहता है। अब पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पटना के परसा बाजार थाना के साई चक में एक मिठाई की दुकान है। यह 15 साल के किशोर को जंजीर से बांध करके मजदूरी करवा रहा था। इसका वीडियो सामने आने के बाद बचपन बचाओ की टीम ने इस मिठाई की दुकान पर छापा मारा और मासूम को मुक्त कराया। जब पुलिस ने अब दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष संजीव मावार ने बताया है कि बचपन बचाओ दल के देव वल्लभ ने आकर के जानकारी दी है कि मिठाई की दुकान पर नाबालिग युवक को बांध करके उसे मजदूरी कराई जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पीड़ित को मुक्त कराया। बताया गया है कि दुकानदार ने उसे 5,000 रुपये महीने की नौकरी पर रखा था। दुकानदार अखिलेश यादव ने बताया है कि वह लड़का समस्तीपुर का रहने वाला है। दुकानदार के मुताबिक लड़का स्मैक का नशा करता है, इसलिए उसे जंजीर से बांध दिया गया था। बचपन बचाओ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सनफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटने और तमिलनाडु से बाहर जाने का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। या इस केस में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा दर्ज कांड संख्या 423 में अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने यह आरोप पत्र रंजन कुमार सिंह त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप और आदित्य कुमार उर्फ हरीश कुमार चौरासिया के खिलाफ दाखिल किया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात की जानकारी हासिल की थी कि अभियुक्तों ने फर्जी वीडियो वायरल करके विभिन्न समुदाय के बीच अफवाह पैदा करने और सौहार्द बिगाड़ने का कुतर्क किया है। फर्जी कागजात बना करके छल करने का भी काम किया है। अभी मनीष कश्यप पर NSA एक्ट लगा हुआ है और वह तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया सोशल न्यूज चैनल पर तमिलनाडु राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ में घटनाओं से संबंधित जानबूझकर एक साजिश के तहत तथा भड़काने वाले फर्जी वीडियो बना करके एवं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आम जनता के बीच उत्तेजना दुर्भावना और फिर भय के वातावरण कायम करने और फिर दो राज्यों के बीच भाषाई विवाद पैदा करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई कांड संख्या 423 के अभियुक्त राकेश कुमार रंजन सिंह मनीष कश्यप सच तक न्यूज जनता प्लस न्यूज चैनल के मालिक अनिल कुमार और भी कई सारे लोगों को विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने मौजूदा केंद्र सरकार के तहत देश की अर्थव्यवस्था के बदहाल होने का आरोप लगाया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर के श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। जब पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेट ने यह दावा भी किया है कि पिछले 9 सालों में देश का
कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया है और कहा कि आज़ादी के बाद 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ रुपये पहुँचा दिया है। इसका मतलब यह है कि साल 2014 से अब तक हमारे देश का कर्जा 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि आज हर हिंदुस्तानी पर, मतलब पैदा हुए नवजात शिशुओं के सिर पर भी करीब 1,20,000 रुपए का कर्ज है। सुप्रिया सिनेट ने यह भी दावा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और फिर कर्ज का अनुपात 84% हो गया है। उनके मुताबिक देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23% लोगों की आय घटी है। एक साल में करीब 11,000 से ज़्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं, लेकिन अरबपतियों की संख्या में पिछले 2 सालों में 102 से करके 166 हो गई है। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सुनहरा मौका है। 21,391 सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकाली गई है। शुक्रवार को जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की भी प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। सिलेक्शन होने पर 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक हर महीने सैलरी मिलेगी। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। जहाँ पुलिस में लगभग 75,000 पदों पर नियुक्ति की कैबिनेट में स्वीकृति दी जा चुकी है। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक किसी सुनहरा मौका से कम नहीं है। आप इस मौका का जरूर लाभ लें, फायदा उठाएं। या आप 20 जून से इसके लिए अप्लाई शुरू होंगे, आप उसके बाद अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भोजपुरी के स्टार पवन सिंह अपनी सोशल लाइफ के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अब उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसके लिए उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। जब वायरल फोटो में वे RJD के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहे हैं। जब दोनों की मुलाकात तो सामान्य ही थी, लेकिन पवन सिंह के बॉडी लैंग्वेज से उनके आलोचकों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल पवन सिंह सोफे पर बैठे हैं, उनके बगल में तेज प्रताप यादव थे। जब उनके पैर पर पवन सिंह का हाथ था, वही तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखा। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि भोजपुरी स्टार मंत्री का आशीर्वाद लेने गए थे। पवन सिंह खुद को पावर स्टार कहते हैं। ऐसे में ट्विटर पर तुरंत लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा है कि पावर स्टार की एक छोटे मंत्री के सामने पावर निकल गई। एक अन्य ने लिखा है कि कलाकार चाहे जितना बड़ा हो जाए, नेता की शरण में उसे जाना ही पड़ता है। कुछ लोगों ने इसमें जाति का एंगल भी घुसा दिया है। दोस्तों, आग उगलती गर्मी में भी अल हरम मस्जिद का फर्श कैसे ठंडा रहता है, ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है। आपको बता दूं कि मक्का में अल हरम मस्जिद का फर्श काफ़ी ठंडा रहता है। जी हाँ, चाहे कितनों ज़्यादा गर्मी पड़े, कितनों ज़्यादा हीट वेव चले, कितनों ज़्यादा टेम्परेचर हो, लेकिन मक्का के अल हरम मस्जिद का फर्श हमेशा कूल ठंडा ठंडा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे ये रहता है, तो हम आपको इसका जवाब अभी बताएंगे। तो बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग हज की यात्रा पर सऊदी अरब जाते हैं। यहाँ वे खुशहाली और फिर अपनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं। सऊदी अरब के मक्का में है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मस्जिद। काबा को यही मस्जिद से घेरे हुए हैं। अल हरम मस्जिद दुनिया की 8वीं सबसे विशाल इमारत भी है। हालांकि वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है। जो लोग जून जुलाई में सऊदी अरब का रुख करते हैं, वे बताते हैं कि रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी अल हरम शरीफ का फर्श कभी भी गर्म नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे फर्श के नीचे ठंडे पानी के पाइप लगे हों जो फर्श को ठंडा रखते हैं। अब इसका राज क्या है, चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि हर दौर में मस्जिद के फर्श को ठंडा रखने के लिए अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल की जाती है। हज यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए एक विशेष तरह का संगमरमर तराशा गया है जो भीषण गर्मी में भी ठंडक देता है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल हरम मस्जिद के फर्श को ठंडा रखने के लिए एक खास तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है अल तासुस। ये पत्थर बेहद महंगा और दुर्लभ है। जब हरम शरीफ के फर्श के लिए इस संगमरमर को खास तौर से यूनान से मंगवाया जाता है। जब ये खास पत्थर एजियन सागर में पाया जाता है। ये पत्थर इतना सफ़ेद है कि इसको स्नो वाइट भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे पत्थर जो बर्फ जैसे चमकदार होते हैं। इस पत्थर की खासियत है कि ये गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं। इसी पत्थर के कमाल के कारण है अल हरम मस्जिद का फर्श आग उगलती गर्मी में भी हज यात्रियों को
ठंडक देता है। जय यूनान में बरसों से इन पत्थरों का इस्तेमाल होता आ रहा है। जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। इस्तांबुल की हागिया सोफिया मस्जिद में भी इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया है। जहाँ कई अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों में भी यही पत्थर लगा है। ये पत्थर इतना महंगा है कि कोई भी आम शख्स इसको अपने घर में लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। या इसके दाम 250 से 400 डॉलर प्रति वर्ग मीटर है। कहा जाता है कि अगर पारा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच के जाए तब भी इन पत्थरों का गर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। दोस्तों, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो फिर पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। जी हाँ, केरल के एक शख्स पर यह बात पूरी तरीके से सटीक लागू होती है। आइए हम आपको इस शख्स के बारे में बताते हैं। दरअसल केरल के रहने वाले शख्स का नाम है सिहाब चतूर, जिन्होंने अपने राज्य केरल से हज करने के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा पैदल ही नाप ली है, जिसके बाद उसकी चर्चा जोरों से हो रही है। जब खबरों की माने तो पिछले साल 2 जून को शुरू की अपनी इस यात्रा में शख्स ने 370 दिनों में 8600 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पूरी कर ली है। जब अपनी इस यात्रा में शख्स कई देशों के बीच से गुजरा, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और अंत में सऊदी अरब होते हुए शख्स पवित्र शहर मक्का तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह शख्स कौन है? तो बताया जाता है कि केरल के मलम्पुरम जिले की वलनचेरी के रहने वाला सिहाब चतूर 2 जून 2022 को हज के लिए रवाना हुआ था। जब वे इसी महीने मक्का पहुंचे हैं, जहां अपनी पैदल यात्रा के दौरान सिहाब ने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत की यात्रा की और मई के दूसरे सप्ताह में कुवैत से सऊदी अरब की सीमा को पार किया। जब सऊदी अरब में प्रवेश करने के बाद सिहाब इस्लामिक तीर्थ स्थल मदीना पहुंचा। मक्का का रुख करने से पहले उसने मदीना में 21 दिन बिताए। सिहाब ने मदीना और मक्का के बीच के 440 किलोमीटर की दूरी भी पैदल तय की, जिसमें उसे 9 दिन का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि केरल का यह शख्स एक यूट्यूबर भी है, जहां अपनी इस यात्रा को इसने लगातार अपने चैनल में अपडेट भी किया है, जो आप उसके चैनल में जाकर के देख सकते हैं। सिहाब जब पाकिस्तान पहुंचा तो फिर उसे यहां एंट्री के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सीमा में घुसने के लिए उसके पास वीज़ा नहीं था। ट्रांजिट वीज़ा पाने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फरवरी 2023 में सिहाब को एक ट्रांजिट वीज़ा प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिसके बाद सिहाब चतूर पाकिस्तान से होते हुए सऊदी अरब पहुँच गए हैं और वह मक्का भी पहुँच गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में आज के पेट्रोल डीजल की नई कीमत अपडेट हो चुकी है। जब कई शहरों में पेट्रोल की कीमत में उछाल हुआ है तो फिर कई जगहों पर ईंधन की कीमत में कमी आई है। हालांकि नई दिल्ली और फिर अन्य महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। यहां किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कटिहार के 12 प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी हुई है। जहाँ यह कल छापेमारी हुई है, छापेमारी के साथ ही डीएम के निर्देश पर 6 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और एक सेंटर को सील कर दिया गया है। जब बिहार के कटिहार में डीएम और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर शुक्रवार को स्वास्थ्य जाँच टीम ने छापेमारी की। इसके बाद टीम कुमारीपुर पहुंची, जहाँ किरण मेडिकल हॉल में स्थित किरण केयर सेंटर में चल रहे गिरजा अल्ट्रासाउंड में छापेमारी करते हुए निर्धारित मानकों की जाँच और फिर पेपर की जाँच की गई है। मनिहारी वीडियो और रणधीर कुमार ने बताया है कि मनिहारी नगर के वार्ड संख्या 2 में स्थित यस वीडी हॉस्पिटल में चल रहे गन्ना सोनो अल्ट्रासाउंड सेंटर को जांच के बाद सील करते हुए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्मी के बढ़ने के साथ ही बिहार में आग लगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। शुक्रवार को बिहार के कई हिस्सों में आग लगी की घटनाएं हुई है, जहां बिहार के वैशाली और मुंगेर में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के पातेपुर थाना क्षेत्र की राघोपुर नरसंडा पंचायत के मुर्तजापुर डुमरी गाँव में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और फिर पूरे टोले को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक घर जल करके राख हो गए। इस आग लगी के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और पूरे टोले को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने के बाद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक लोग मौके पर जुटे, आग ने भयानक रूप ले लिया था, जो आसपास के लगभग 1.5 दर्जन से अधिक घरों को अपने चपेट में ले लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का सपूत बताकर कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गिरिराज सिंह के ये कहने पर कि भले ही गोडसे ने बापू की हत्या की लेकिन वे भी भारत के सपूत थे, इसको लेकर के बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस विवादित बयान को लेकर के जदयू ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गोडसे को देश माँ का सपूत कहना भारत के माथे पर कलंक के समान है। गोडसे देश का नहीं बल्कि बीजेपी का सपूत हो सकता है। दरअसल दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे गिरिराज सिंह ने दंतवरा में नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि गोडसे अगर गांधी के हत्यारा है तो फिर भारत के सपूत भी हैं। वे भारत में पैदा हुए थे और वे औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रमणकारी नहीं थे। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जदयू ने आपत्ति जताई है और कहा है कि देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला कभी भी भारत का सपूत नहीं हो सकता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गोडसे को कोई भारत माँ का सपूत कह देगा तो वह हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है। जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी वह भारत का सपूत कैसे हो सकता है? जब गोडसे देश का सपूत हो सकता है तो फिर क्या वीरप्पन, चंबल के डकैत, गुंडे और अपराधी भी भारत माता के सपूत हैं? गोडसे भाजपा का सपूत हो सकता है लेकिन जो राष्ट्रपति की हत्या कर दे वह भारत माँ का सपूत नहीं हो सकता है। या राष्ट्रपिता की हत्या का महिमा मंडन किया जाना राजनीति के कुसंस्करण को दर्शाता है। राष्ट्रपिता के हत्यारा का महिमा मंडित किया जाना राजनीति के कुसंस्कार को दर्शाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने दावा किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप लगाने वाली 7 महिलाओं में से एक नाबालिग ने दबाव में आकर के अपना बयान बदल दिया है। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने दावा किया है कि शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने के कारण नाबालिग के पिता डिप्रेशन में हैं। ओलंपियन साक्षी मलिक ने NDTV से कहा है कि समझौता करने के लिए हम पर भी दबाव है। जहां उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर शिकायतकर्ताओं को बुलाने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले दिन से ही आरोपी की गिरफ्तारी और फिर हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि आज महापंचायत ने फैसला किया है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में 15 जून तक का समय दिया गया था। हम तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, 15 जून के बाद ही भविष्य की रणनीति बनाएंगे। हम उनकी गिरफ्तारी की अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने यह भी कहा है कि उन्हें पुलिस जाँच पर भरोसा नहीं है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि कल पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के मौजूद होने के बावजूद एक महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय में ले गई। जहाँ महिला पहलवान ने पहले ही पूछा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह कार्यालय में मौजूद है तो पुलिस ने उनसे झूठ बोला और फिर कहा कि वे नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरी प्रणाली बृजभूषण शरण सिंह की रक्षा कर रही है। जहाँ हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अगर चार्जशीट मजबूत होती है तो फिर बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। हाल ही में एक नाबालिग शिकायतकर्ता ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना बयान बदल दिया था। जहाँ नाबालिग के पिता ने NDTV को बताया कि घटना के समय पहलवान नाबालिग नहीं थी और उसने अदालत में एक नया बयान दर्ज किया है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होने वाली है। विपक्षी एकता पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हमला बोला है और कहा है कि ये लोग सिर्फ डपली बजाने वाले लोग हैं। सिर्फ बैठ करके चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो फिर 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो जाता। उन्होंने आगे कहा है कि RJD के पास 0 MP हैं, यानी कि एक भी सांसद राजद के पास नहीं है। वही नीतीश कुमार का अपना कोई ठिकाना नहीं है और अखिलेश यादव के लोकसभा में 5 MP हैं और फिर बात ऐसे करते हैं जैसे उनके 500 सांसद हों। डपली बजाने वाले ये लोग एक जाति को खुश करने में लगे हुए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर हमला करते हुए कहा है कि आज नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। आज RJD की 0 MP है तो फिर वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वह पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगा है। नीतीश कुमार पिछले दिनों ममता बनर्जी से मिले। जब क्या ममता बनर्जी लालू और नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए सीट देने को तैयार हो गई है? क्या लालू और नीतीश बिहार में TMC को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं? नीतीश कुमार को कौन पूछता है? प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीटें आई और 2019 में भी 5 सीटें मिली। हालांकि वे बात
ऐसे कर रहे हैं जैसे 500 एमपी इन्हीं के पास है। दो जीरो को अगर जोड़ देंगे तो फिर उसमें क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार के लोगों को जल्द गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज 12 जून से लगातार उत्तर बिहार के सभी जिलों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। हालांकि दक्षिण बिहार के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। दक्षिण बिहार के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक गर्मी सताएगी, उष्ण लहर और लू की स्थिति बरकरार रहेगी। आज मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के यानी कि बिहार के 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। इनमें राजधानी पटना समेत 9 जिलों की स्थिति बेहद खराब और अधिक तापमान के साथ भीषण लहर एवं लू की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में पटना के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और बांका शामिल है। इसके अलावा भागलपुर, सुपौल, जमुई, कटिहार, नवादा, सिवान, औरंगाबाद और जमुई में मध्यम स्तर की उष्ण लहर लू के साथ हीट वेव की संभावना है। इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। यानी कि आज बारिश भी हो सकती है और लू भी चलने की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों मौसम बिहार ऐप का लोकार्पण किया था, जहां इसके तहत बिहार की हर पंचायत से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जहां ये ऐप 5 दिन आगे तक के मौसम की जानकारी सहजता के साथ दे सकता है। हालांकि इस अवधि को 10 दिन करने की योजना पर भी काम हो रहा है। जब बारिश के बाद जल जमाव की जानकारी पहले मिलने से उससे जुड़ी हुई योजना बनाने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा होगी वहाँ उसे दूर करने की योजना पर पहले से ही काम हो सकेगा। जहाँ इससे बड़ी राहत मिलेगी, जिन इलाकों में पानी जमा होने की संभावना होगी वहाँ उनकी निकासी के लिए पहले ही योजना बनाई जा सकेगी। इससे शहरों में कई कई दिनों तक रहने वाले जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। यह सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी काम करने में सुविधा होगी। आम लोग भी फजीहत से बच सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी में इधर हर रोज औसत 42 ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मरों पर बढ़ने वाले खपत के दबाव का आकलन करने का निर्णय लिया है। जहां इसके लिए बिहार में लगे 3 लाख से भी अधिक ट्रांसफार्मर का लोड आकलन किया जा रहा है। जब कंपनी की कोशिश है कि ट्रांसफार्मर जलने से पहले ही उसका लोड आकलन करके उसे अधिक क्षमता में बदल दिया जाए या फिर वहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। आपको बता दूं कि इस भीषण गर्मी में ज़्यादा लोड लेने की वजह से कई ट्रांसफार्मर फूंक दे रहे हैं, यानी कि कई ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। जब बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर लोड आकलन के दौरान वर्तमान स्थिति की गणना की जाती है, लेकिन भविष्य में पड़ने वाले लोड का आकलन करके ज़रूरत के अनुसार नए या फिर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। लोड आकलन में देखा जाएगा कि ट्रांसफार्मर कब लगाया गया है या जब ये लगा तब उसके लोड की क्या स्थिति थी, कितने वर्षों में ट्रांसफार्मर पर अब अधिक दबाव आ गया है जिससे इसके जलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आकलन में अगर पाया जाएगा कि ट्रांसफार्मर पर लोड सामान्य है तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर पर अधिक दबाव मिला तो फिर अतिरिक्त या फिर अधिक क्षमता वाला का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि लू के अवैध खनन से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा किया है। अवैध खनन और बिक्री से सरकार को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों के पर यहां इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंपनियों और फिर निदेशकों पर खनन विभाग की प्री पेड ट्रांसपोर्टेशन ई चालान के बगैर बालू खनन और बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर बहाली को लेकर के फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जहां आयोग ने 3 दिनों तक आवेदनों को फॉर्म भरने के लिए प्रैक्टिस करने का मौका दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो रही है उसके लिए आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जिसमें वे फॉर्म भरने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दरअसल आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखा गया है। 10 जून से 13 जून तक आवेदन करने के लिए अभ्यास का मौका दिया गया है। उसके बाद शिक्षक अब 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के बीच 2 दिनों तक बैठक हुई थी जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको इसके लिए कुछ ख्याल रखना होगा। जब बच्चों के लिए आपको बता दूं कि छोटे बच्चों को बड़े लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसे में नवजात शिशु को गर्मी से बचाने के लिए अगर आप उसे एसी या फिर कूलर में सुला रहे हैं
तो फिर भूल कर भी इन गलतियों को ना करें। जी हाँ, आइए जानते हैं बच्चों को एसी में सुलाते समय कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। तो बात करते हैं कि बच्चों को पहली बार एसी में सुलाते समय एसी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहिए। ध्यान रखें कि नवजात जिस कमरे में सो रहा है उस कमरे का तापमान बहुत अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेबी यानी कि अगर आपका बच्चा 1 महीने से भी कम उम्र का है तो फिर उसे एसी में सुलाने से पहले अच्छी तरीके से कवर कर लें, या उसके लिए एक पतला सा स्वेटर और सिर पर कैप और जुराब जरूर पहनाएं। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 महीने से बड़ा है तो फिर आपको उसे इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मच्छर आपको ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं यानी कि आपको लगता है कि ज़्यादा मच्छर आपको काटते हैं तो फिर आप गलत नहीं हैं। जी बिल्कुल, आपको मच्छर ज़्यादा काटते हैं उसके लिए भी एक कारण है। अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर इसमें ना तो मच्छरों की गलती है और ना ही आपकी। इसके पीछे सारा खेल आपके ब्लड ग्रुप का है। आपका ब्लड ग्रुप ही ऐसा है कि मच्छर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस समस्या से परेशान होंगे कि आखिर इन लोगों के बीच सभी मच्छर आपको ही क्यों घेरे रहते हैं। या सिविल अस्पताल के वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने बताया है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर सबसे अधिक काटते हैं। जब मच्छरों को उनका ब्लड ग्रुप बहुत आकर्षित करता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो फिर आपको ज़्यादा मच्छर काटेंगे, यानी कि आप मच्छर के दुलारे हैं। जी हाँ, ज़्यादातर मच्छर आपके तरफ ही आकर्षित होते हैं। जी हाँ, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में अधिक मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड होता है। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान होती है। जो लोग लंबी सांस लेते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उनको मच्छर ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि इन सब बातों के अलावा मच्छर इंसान की खुशबू और बदबू पहचान सकते हैं। ये व्यक्ति के पसीने से निकलने वाले लिक्विड एसिड और फिर अमोनिया को भी पहचानते हैं। अगर मच्छरों को आपके पसीने की बदबू अच्छी लगती है तो फिर वे आपको ज़्यादा काट सकते हैं। जहाँ फिजिशियन डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, यही एक्सरसाइज ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति भी करता है। जब भी एक्सरसाइज व्यक्ति करते हैं तो फिर उनका पसीना बाहर आता है, पसीने में बदबू आती है। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पसीने से आने वाले स्मेल को मच्छर पसंद करते हैं और वे जल्दी आकर्षित भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों को जब मच्छर काटते हैं तो फिर वहां दाना हो जाता है या फिर लाल रंग के चटक्के पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को मच्छर के काटने पर अत्यधिक खुजली होती है तो फिर कुछ लोगों को मच्छर काटने के बाद सूजन हो जाता है। उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ इन्हीं ब्लड ग्रुपों को मच्छर काटते हैं, बाकी को नहीं काटते हैं। मच्छर सभी को काटते हैं और मच्छर जनित बीमारी भी सभी को होती है। बस केवल ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग मच्छर से अधिक परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि इतने सारे मच्छर उन्हें आखिर क्यों घेरे रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग साफ़ सफाई के साथ रहें, पसीने में अगर बदबू है तो फिर परफ्यूम का इस्तेमाल करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तुलना दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन से कर डाली। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आजकल दाढ़ी बनाकर के ओसामा बिन लादेन बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बता डाला। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम लोग राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा ही मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो फिर उससे बच्चे से ज्यादा और क्या कहा जाता है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहादियों की शिनाख्त करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। बीजेपी सरकार में गोहत्या करने वालों को भी जेल जाना पड़ेगा। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को शिनाख्त करके उसको बिहार और फिर भारत से बाहर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का गुणगान करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में जिनको रहना है उसको हिंदुस्तान के साथ चलना होगा। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर भी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जहां उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसी हो गई है। जब पीएम के ताज के सपने ने उन्हें परेशान कर दिया है, उन्हें भूलने की बीमारी लग गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के लिए आने वाला
वर्ष यानी कि साल 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और अपने स्तर से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नवम्बर का महीना बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस महीने दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली बिहार की दो बड़ी पार्टियां रैली करने जा रही है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले जेल से बाहर निकले आनंद मोहन भी स्वर्ण वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए रैली करने वाले हैं। दरअसल दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से पटना के गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को रैली की जाएगी। तो फिर वही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा भी इसी महीने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएगी। इस बात की सहमति कल पार्टी कोर कमेटी की बैठक में बनी है। वहीं स्वर्ण वोट बैंक को महागठबंधन के पक्ष में मजबूत करने के लिए पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने भी ये बता चुके हैं कि वे नवंबर में पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में दलित वोटरों की संख्या लगभग 16% है। ये वोट बैंक किसी भी पार्टी को चुनाव में बजट बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी 16% वोट बैंक को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी दोनों अपने तरफ होने का दावा करती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर का महीना तय किया गया है इन वोट बैंकों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है वह कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए वन अगेंस्ट वन का फॉर्मूला सेट किया है, यानी कि बीजेपी या फिर उसके गठबंधन के कैंडिडेट्स जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट से विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों में से सिर्फ एक ही भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे सीएम नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले से कांग्रेस असमंजस में है। जहां कांग्रेस पार्टी की चाहत है कि वे पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जहां कांग्रेस नेता अभी से ही इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जहां ऐसे में सवाल उठता है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस की एंट्री कैसे होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का सुर बदला हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी एकला चलो की राह पर दिख रही है। नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले पर बीजेपी ने सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। जहाँ बिहार में जदयू के 16 सांसद हैं, 2024 में जदयू 16 या फिर उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी तो फिर वही आरजेडी 15 से 20 सीटों पर मांग कर सकती है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल है। अगर आरजेडी और जदयू 15 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो फिर बाकी बचे 10 सीटों पर कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में लेफ्ट की 3 पार्टियाँ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी को कितना सीट दिया जाएगा, लगभग यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी बनने वाली है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी में की अखिलेश यादव अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। जहां कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का घर हुआ करता था ऐसे में कांग्रेस वहां भी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। जब पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा और बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था लेकिन जिसमें कांग्रेस को सिर्फ मात्र एक सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने की फिराक में नहीं है। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी को अब तक विपक्षी एकता की बैठक के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस इतना। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।